जरा इस वाक्य पर विचार करें। ये कथन गलत है। क्या यह सच है? यदि ऐसा है तो ये कथन झूठा हो जाएगा, लेकिन यदि ये गलत है तो कथन सच है। सीधे तौर पर खुद को संदर्भित करके ये कथन एक अनसुलझा विरोधाभास पैदा करता है। तो अगर ये सच नहीं है और ये झूठ नहीं है तो ये क्या है? ये प्रश्न एक मूर्खतापूर्ण विचार प्रयोग जैसा लग सकता है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में इसने ऑस्ट्रियाई तर्कशास्त्री कुर्ट गोडल को एक ऐसी खोज की ओर अग्रसर किया जिसने गणित को हमेशा के लिए बदल दिया। गोडल की खोज गणितीय प्रमाणों की सीमाओं से संबंधित थी। प्रमाण एक तार्किक तर्क है जो दर्शाता है कि संख्याओं के बारे में कोई कथन सत्य क्यों है। इन तर्कों के निर्माण खंडों को स्वयं सिद्ध कहा जाता है। इसमें शामिल संख्याओं के बारे में निर्विवाद कथन होते हैं। गणित पर निर्मित प्रत्येक प्रणाली सबसे जटिल प्रमाण से लेकर बुनियादी अंक गणित तक स्वयं सिद्धों से निर्मित होती है। और यदि संख्याओं के बारे में कोई कथन सत्य है तो गणितज्ञों को स्वयं सिद्ध प्रमाण के साथ इसकी पुष्टि करने में सक्षम होना चाहिए। प्राचीन ग्रीस से गणितज्ञों ने गणितीय दावों को पूर्ण निश्चितता के साथ सिद्ध या अस्वीकृत करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया। लेकिन जब गोडल ने मैदान में प्रवेश किया तो कुछ नए उजागर तार्किक विरोधाभास उस निश्चितता को खतरे में डाल रहे थे। प्रमुख गणितज्ञ ये साबित करने के लिए उत्सुक थे कि गणित में कोई विरोधाभास नहीं है। गोडल स्वयं इतने निश्चित नहीं थे और उन्हें इस बात पर और भी कम भरोसा था कि गणित इस समस्या की जांच के लिए सही उपकरण है। हालांकि शब्दों के साथ स्व संदर्भित विरोधाभास बनाना अपेक्षाकृत आसान है, संख्याएं आमतौर पर अपने बारे में बात नहीं करती हैं। एक गणितीय कथन बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत होता है, लेकिन गोडल के पास एक विचार था। सबसे पहले उन्होंने गणितीय कथनों और समीकरणों को कोड संख्याओं में अनुवादित किया ताकि एक जटिल गणितीय विचार को एक ही संख्या में व्यक्त किया जा सके। इसका मतलब ये था कि उन संख्याओं के साथ लिखे गए गणितीय कथन गणित के इनकोडेड कथनों के बारे में भी कुछ व्यक्त कर रहे थे। इस तरह कोडिंग से गणित अपने बारे में बात कर सका। इस पद्धति के माध्यम से ये एक समीकरण के रूप में इस कथन को सिद्ध नहीं किया जा सकता लिखने में सक्षम हुए, जिससे पहला स्वयं संदर्भित गणितीय कथन तैयार हुआ। हालांकि उस अस्पष्ट वाक्य के विपरीत जिसने उन्हें प्रेरित किया, गणितीय कथन सही या गलत होने चाहिए। तो ये कौन सा है? यदि ये गलत है तो इसका मतलब है कि कथन के पास सबूत है, लेकिन यदि किसी गणितीय कथन का कोई प्रमाण है तो वो अवश्य सत्य होगा। इस विरोधाभास का अर्थ है कि गोडल का कथन गलत नहीं हो सकता, इसलिए ये सत्य होना चाहिए कि ये कथन सिद्ध नहीं किया जा सकता है। फिर भी ये परिणाम और भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब हमारे पास गणित का एक सच्चा समीकरण है जो दावा करता है कि इसे साबित नहीं किया जा सकता। ये रहस्योद्घाटन गोडल के अपूर्णता थ्योरम के केंद्र में है, जो गणितीय कथन की एक पूरी तरह से नई श्रेणी का परिचय देता है। गोडल के प्रतिमान में कथन अभी भी या तो सत्य या गलत है, लेकिन सत्य कथन या तो सिद्धांतों के दिए गए सेट के भीतर सिद्ध या अप्राप्य हो सकते हैं। इसके अलावा गोडल का तर्क है कि ये अप्रमाणित सत्य कथन प्रत्येक स्वयं सिद्ध प्रणाली में मौजूद हैं। इससे गणित का उपयोग करके एक संपूर्ण प्रणाली बनाना संभव हो जाता है, क्योंकि हमेशा ऐसे सत्य कथन होंगे जिन्हें हम साबित नहीं कर सकते। भले ही आप इन अप्रमाणित कथनों को एक विस्तृत गणितीय प्रणाली में नए सिद्धांतों के रूप में जोड़कर देखते हैं, वही प्रक्रिया नए अप्रमाणित सत्य कथनों को प्रस्तुत करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सिद्धांत जोड़ते हैं, आपके सिस्टम में हमेशा अप्रमाणित रूप से सत्य कथन मौजूद रहेंगे। ये नीचे तक गर्डल्स हैं। इस खुलासे ने क्षेत्र की नींव हिला दी, उन लोगों को कुचल दिया जिन्होंने सपना देखा था कि हर गणितीय दावा एक दिन सिद्ध या अस्वीकृत हो जाएगा। अधिकांश गणितज्ञों ने इस नई वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। कुछ ने इस पर खूब बहस की, दूसरों ने अभी भी अपने क्षेत्र के मध्य में खुले नए छेद को नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे अधिक शास्त्रीय समस्याएं अप्रमाणित रूप से सत्य साबित हुई, कुछ लोगों को चिंता होने लगी कि उनके जीवन का काम पूरा करना संभव होगा। फिर भी गोडल की थ्योरम ने उतने ही दरवाजे खोले जितने बंद किए। अप्रमाणित रूप से सत्य कथनों के ज्ञान ने प्रारंभिक कंप्यूटरों में प्रमुख नवाचारों को प्रेरित किया, और आज कुछ गणितज्ञ अपने करियर को अप्रमाणित कथनों की पहचान करने में समर्पित कर देते हैं। इसलिए जबकि गणितज्ञों ने कुछ निश्चितता खो दी है, गोडल की वजह से वे सत्य की किसी भी खोज के केंद्र में अज्ञात को अपना सकते हैं। क्या आप गणित के इतिहास में रुचि रखते हैं?
ये जानने के लिए ये वीडियो देखें कि किन संख्याओं को प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त खतरनाक माना गया था, या इस वीडियो में पास्कल के त्रिकोण के रहस्यों और पैटर्न में गहराई तक जाएं।